हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। अभी अभी ग्राम सचिव का पेपर आया है मेरे पास, अभी अभी उसका सॉल्यूशन तैयार किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवेन है हमारे पास। ये सीरीज गिवेन थी हमारे पास 105, 53, 27, 14 और 7.5, 4.25। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि दूसरी सीरीज अगर 85 से स्टार्ट है तो बताओ ए बी सी डी ई गिवेन है हमारे पास, सी के पोजीशन पे क्या आएगा। तो गाइज आप देखिए 105 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 52.5, उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। सिमिलरली 53 का हाफ कितना हो जाएगा 26.5, इसमें 0.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27। सिमिलरली इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा 13.5, 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो गाइज इसी तरीके से 85 से स्टार्ट करना है, 35 का हाफ कितना हो जाएगा 42.5 और 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43। और अगेन 43 का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास 22.5, 21.5, फिर 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 43 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 21.5, 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। सिमिलरली 22 का हाफ कितना हो जाएगा 11.5 ऐड करेंगे तो 11.5 विल बी योर एग्जैक्ट आंसर। ओके गाइस, सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है ए प्लस बी इक्वल्स टू 5, 3 ए प्लस 2 बी इक्वल्स टू 20। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। आप सिंपली ए का जो कोएफिशिएंट है उसे फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट इक्वेशन में जो ए का कोएफिशिएंट उसमें सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। तो 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 3, 5 जा 15। 1 को मल्टीप्लाई करो तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 20। माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 3b माइनस 2b b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 5। गाइस फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करो, a प्लस b इक्वल्स टू 5 गिवन है। अगर b के प्लेस पे माइनस 5 पुट करो तो क्या हो जाएगा a और माइनस 5 इक्वल्स टू 5। माइनस 5 को राइट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। तो फाइनली a की वैल्यू 10 आ गई। हमें 3a प्लस b की वैल्यूज निकालनी है, तो 3 और a के प्लेस पे कितना गिवन है 10 और b की वैल्यू माइनस 5, तो 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25। ओके सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरीके से गिवन है, अंडर रूट 625 इंटू 14 इंटू 11 अपॉन 11 इंटू अंडर रूट 25 इंटू 196। गाइज 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 इंटू 14 इंटू 11 अपॉन 11 इंटू 25 का स्क्वायर रूट 5 और 196 का 14, तो क्या हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल और 5 5 जा, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ y की वैल्यू अगर 5 गिवन है तो इसकी वैल्यूज निकालो, 10y अंडर रूट y क्यू माइनस y स्क्वायर। गाइज अगर आप y के प्लेस पे 5 पुट करोगे तो 10 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा 5 क्यू माइनस 5 स्क्वायर, तो 10 5 जा 50, 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस 25 और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है तो 50 10 का कितना हो जाएगा 500। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15% ऑफ 34 हमें निकालना है, जब कभी भी परसेंटेज रिड्यूस करेंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इंटू 34, 15 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 500, 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, जब 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 5.10, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 हमें निकालना है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इट मींस दोस नंबर दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 3, तो 3 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं 3, 6, 9, 12, 15 और टोटल नंबर हमारे पास कितना है 5। जब भी एवरेज निकालना हो सारे नंबर को ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 15। ओके तो 15 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 252 गिवन है हमारे पास, इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो गाइस सिंपली 2 से डिवाइड दो, 126 पे जा रहा है, 2 से 63 पे, 3 से 21 पे, 3 से 7 पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 विल द करेक्ट आंसर। ओके उसके बाद गाइस कुछ नंबर पेयर गिवन है, हमें चूज करना ऑड पेयर्स कौन सा है, तो 25 माइनस 7 कितना होगा 8, ये इवन नंबर है नहीं हो सकता, और 83 में से 75 माइनस करो ये भी कितना हो जाएगा 8 अप्रॉक्स, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी 8 आ रहा है, लेकिन 49 में से 42 को माइनस करो ये ऑड आ रहा है, आई थिंक इट बिकम्स 13, तो 13 इज एन ऑड नंबर, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास टेबल गिवन है, ये टेबल गिवन है और इसमें इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है, तो अगर ऑब्जर्व करो देखो 5 टू जा 10, देन इस नंबर से इस नंबर पे आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इस नंबर से इस नंबर पे आने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो बताओ इस नंबर पे आने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से 2 से ना, तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइज लास्ट क्वेश्चन हमारा, 144 इंटू 1000 अपॉन 0.14 इक्वल्स टू 14.4 अपॉन एक्स इंटू 10 गिवेन है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो क्या हो जाएगा इसका डेसिमल जब रिड्यूस करोगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1 पे 000 और
इसका डेसिमल रिड्यूस करेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 10, तो 144 से 144 कैंसिल, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1000 इंटू एक्स इंटू 10 इक्वल्स टू 144, एक्स की वैल्यूज निकालेंगे तो 1234 जीरोस नीचे आ जाएगा, डिवाइड देंगे तो देखो 1234 जीरोस है ना, तो क्या होगा 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल एडजस्ट करेंगे। तो गाइज यही था आपका पेपर।